ये इन भाइयों का शौक है जी, बतखें इन्होंने पाली हुई हैं और ये तालाब सा बनाया हुआ है, इसी में रहती हैं। हैं जी, ये आपका शौक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तमाम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रहें। आज हम आए हुए हैं यहाँ पर एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में संगजानी टूर प्लाजा के साथ। यहाँ पर कुछ लोग उम्रा की अदायगी के बाद आ रहे हैं और अब हम यहाँ पर उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के घर से जो ज़ियारत कर कर आता है उसका इस्तकबाल भी करना चाहिए और अपने लिए दुआएं भी करवानी चाहिए। हम बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी लोग फूलों की पत्तियाँ लेकर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के। ये सारे दोस्त माशाल्लाह उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, हाथ में इन्होंने फूल पकड़े हुए हैं। मलक रियासत साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी, बड़े सारे, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के घर से ज़ियारत करके जब जो कोई आता है तो उसका इस्तकबाल भी करना चाहिए, उससे बल्कि गले लगा कर इल्तजा करनी चाहिए कि मेरे लिए भी दुआ करें। ये गांव का माहौल है यहाँ पे, ठीक है, फसलें हैं, बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेहमानों की आमद हो गई है, ठीक है। उमरा कर कर अल्लाह पाक के घर से ज़ियारत कर कर जनाब आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह फूलों की पत्तियाँ ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, इस्तकबाल हो रहा है। ये अल्लाह के घर से जो हादरी करके आता है उसका इसी तरह का इस्तकबाल होना चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फूलों की पत्तियाँ जनाब गिरी जा रही हैं, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब खूबसूरत माहौल है जनाब, साथ घर रखा हुआ और धूप आज बहुत तेज है। ये साथ ही घर है और ये इनकी खुली जगह है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत माहौल है जनाब। रियासत साहब ने खाना बड़ा दबा कर खा लिया है, तो आप क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ने दुआ भी होगी और खाना भी खा लिया है। अगर इकबाल तो हसन साहब के साथ हैं, मलक रियासत के तो वैसे ही बहुत फ़ोन आते हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। ये और संगजानी का खूबसूरत माहौल है जनाब। ये बाहर चल कर, यहाँ तो खिड़की से नज़र नहीं आ रहा, बाहर चल कर आपको दिखा दें। ये इन भाइयों का शौक है जी, बतखें इन्होंने पाली हुई हैं और ये तालाब सा बनाया हुआ है, इसी में रहती हैं। हैं जी, ये आपका शौक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर ही रखेंगे, इधर गर्मी है ना, गर्मी नहीं लगती, गर्मी लगी पानी में रहते हैं सारा दिन, नहीं लगती गर्मी। अच्छा, गर्मी नहीं लगती। ये इनका घर है जी, हाँ, जहाँ पे मिलाद हुआ वो घर है, ये घर है और ये सारी खुली जगह है यानी कि। और ये जनाब मलक रियासत साहब को ऑफर भी कर रहे हैं इस चीज की कि पांच मरले का कि भाई मैं देता हूँ। हाँ जी, इधर अच्छा, खत्म हो गया। नहीं नहीं, एक हफ्ते का उस्ताद ने कहा जी, एक हफ्ते का टाइम दे दे। मलक रियासत साहब पांच मरले में नहीं पूरे आएंगे, ने दस मरले दिए जाए। एक एक वीडियो पर दे देंगे, क्योंकि हम महफिल थी और दुआ हुई, फिर खाना खाया, अब नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये खुली जगह है माशाल्लाह, यहाँ पर इधर अपना एक सुकून है जी फैजान साहब, हैं जी। और यहाँ पर जिस तरह खुली खुली जगह हैं, इस तरह खूबसूरत अल्लाह पाक का घर भी बना हुआ है। साहब का कहना है जी, बड़ी खूबसूरत जगह फैजान साहब, हैं जी, और बड़ा दिल खुश हुआ है जी यहाँ पर आकर, और बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि हम शहरी लोग हैं, हमें तो ये जगह उस्ताद जी वाली बात है कि देखने को भी नहीं मिलती शहर में, इतनी खुली जगह और ये सरसब्ज, ये देखने को भी नहीं मिलता। तो आज बड़ा दिल खुश हुआ है जी, लाइन दोस्तों को जजाए खैर अता फरमाए। मस्जिद अल्लाह का घर है और नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है, हैं जी। और क्योंकि ये गांव का माहौल है, यहाँ पर शहर वाला तो मामला नहीं। और रमज़ान शरीफ हो या कोई भी दिन हो, नमाज हर हाल में फ़र्ज है। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। ये जामा मस्जिद गुलजार मदीना नमाज शरीफ पढ़ ले। A few moments later. गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस्ताद जी कह रहे हैं कि एसी को ओपन कर लें। okay.
और ये फ्यूज यहाँ पर लगेगा तभी होगा, फ्यूज लगाए जी। कौन था जी? मस्जिद में अल्लाह का घर का काम भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज पढ़ी, बड़ा सुकून मिला जनाब, बड़ा माशाल्लाह सुभान। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये घर अल्लाह के और काम जारी है, ये लोग खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के घर का काम कर रहे हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक हैं, खैरियत से? काम तो वैसे सारे ही करते हैं, हर बंदा मजदूरी करता है। मुल्क का अगर वज़ीर आज़म है वो भी जब तक सीट पे नहीं बैठेगा तो वो उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। पर अल्लाह का घर का काम करके आप लोगों को क्या महसूस होता है, थोड़ा सा बताएं आप। बस ये सुकून है, अल्लाह ना घर में काम करो तो सुकून है, अच्छे काम है ना, अच्छी नेकी ना उसका नतीजा बुरा। मतलब उनका कहना ये है, इन भाइयों का भी, ये भाई भी साथ हैं, कि अल्लाह के घर का काम करके दिली चैन मिलता है, एक सुकून मिलता है जी। तो अल्लाह ताला इन भाइयों के भी रोजी में बरकत दी, क्योंकि माशाल्लाह ये मीनार का काम, मीनार का काम हो रहा है ना यहाँ, मीनार हो रही है अभी पड़ा है ये यहाँ पे, क्योंकि ये डबल कर रहे ना बंद। हाँ ये आलम जमा शक्ल पे बीन बन रहा है माशाल्लाह सुबह। 37 seconds left. चाय आ गई है जी, उस्ताद जी पेश कर रहे हैं सबको जनाब, बाजी भी साथ और रियासत साहब भी साथ हैं। मलिक साहब खर्चा कर रहे हैं जी, क्या बात है जी, VIP मलिक रियासत VIP, वाह जी। अब चाय भी पी ली है और रियासत भाई जनाब अब कहते हैं अब चले चले जी रियासत भी, चले बस चले, ये इतने प्यार से कहते हैं चले। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से अब अपनी मंजिल पे हम पहुंच गए, अब घर चलेंगे। A few moments later. और अब मैं आ गया हूँ घर, दिन को आज बहुत ज्यादा गर्मी थी और बहुत मजा भी आया, काम काज भी किया, उसका भी लोग नहीं इसमें बन सका, क्योंकि टूर पे जाते हैं या माफलों पे जाते हैं उसी का ही वे लोग बनता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब इस वे लोग को और बेहतर अंदाज़ में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा, तो ज़रूर हौसला अफजाई फरमाएं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाईजान। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आज के लिए इजाज़त है, अस्सलाम वालेकुम।